कश्मीर के हक में आवाज़ उठाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हमारे लिए कोई इलाका इम्पोर्टेंट है या हमारे लिए किसी जगह पर काबिज़ होना कोई इम्पोर्टेंस रखता है। हरगिज़ ये हमारे मकासद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि कश्मीर को उसका हक, उसकी आज़ादी, उसका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए, और जो रूए ज़मीन पे बसने वाले हर इंडिविजुअल का हक है। आप 90 से लेकर अब तक जो एक्टिविटीज़ कश्मीर में कर चुके और जो हालात वहाँ पैदा कर चुके, उसके बाद से अब तक आपकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत ये है कि पाकिस्तानी झंडा वहाँ पर लहराया जाता है, कश्मीरी आवाम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कश्मीरी आवाम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के स्लोगन्स लेकर फिरते हैं। आपको तो कोई मुंह ही नहीं लगाता, शर्म नहीं आती? डूब मरने का मकाम नहीं है ये क्या आपके लिए? कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, हमारा है जी कश्मीर, हमारा है। वो आपको जूते की नोक पे नहीं लिखते, वो आपको पूछते ही नहीं है, वो आपसे नफरत करते हैं, वो आपको वहां से दफा कर देना चाहते हैं। कभी आपने ये सोचा है और ये सोचकर शर्म महसूस की है आपने कि वहां पर कश्मीरी अवाम पाकिस्तानी परचम लहराते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी, पहले वो खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, उसके बाद कश्मीरी कहते हैं, तो आपको ज़र्रा बराबर भी शर्म नहीं आती कि आप फिर भी कहते हैं कि कश्मीर इंडिया का है? जहाँ तक मैंने अंदाज़ा किया है कि आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, बाय फोर्स आप कभी भी कश्मीर को, कश्मीरियों को नहीं जीत सकते। वो आपसे नफ़रत करते थे, नफ़रत करते हैं और नफ़रत करते रहेंगे, ये ता कयामत ऐसा रहेगा। और यही आपकी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है कि आज भी वहाँ पाकिस्तानी झंडे लगाए जा रहे हैं, आज भी वहाँ पाकिस्तान के साथ मिलकर रहने की बात की जा रही है, कश्मीरी अवाम पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। तो इस तरह से जुल्मों बर्बरियत के साथ ना कभी कोई जीत सका है और ना जीत सकता है। और आप जितनी मर्ज़ी पाबंदियाँ लगवाइए, जो मर्ज़ी कर लीजिए, आपने परचम, पाकिस्तानी परचम पे पाबंदी लगवाई वहाँ पर, और किसी शख्स ने आपकी माता जी के ऊपर पेंट कर दिया उसको, और गाय के ऊपर पेंट करके वो गाय घूमती फिरती थी और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो ये सबूत हैं, ये चीज़ें पाकिस्तान से कश्मीरियों की मोहब्बत का सबूत हैं। और हम उनके, उनकी आज़ादी के लिए, उनके हक़े खुद इरादियत के लिए हम उनके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। हमारा ताल्लुक, वो इस्लाम से बिलोंग ना भी करते, अगर वो जुल्म का शिकार कोई और भी कौम होती वहाँ पर, तो भी हम उसके लिए आवाज़ उठाते। लेकिन आपकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत ये है कि वहाँ के लोगों के दिल पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ थे, हैं और रहेंगे, और आपको हमेशा वहाँ उनके घरों पर पाकिस्तानी परचम लहराते नजर आएंगे। कभी आप अपने परचम को, ये हसरत रहेगी आपकी और दिल में लिए मर जाएंगे इसको कि आपका परचम कभी मोहब्बत से वहाँ लहराया जाए और आपके हक में कभी कोई बात कश्मीर से निकले, ऐसा कभी नहीं होगा।